वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फ्री है। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा मेरे वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन के लिए। तो आज की रेसिपी लेके आई हूँ मैं ये दाल की मसालेदार ये सब्ज़ी। मैंने कैसे बनाया है ये आज आप लोगों को मैं बताऊँगी। तो आप देख ही रहे हैं ये कितना सॉफ्ट है और अंदर से कितना जूसी बना है। ये बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में। अगर घर में सब्ज़ी ना हो और सिर्फ दाल हो तो दाल से सब्ज़ी कैसे बनाएंगे ये आज देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इस्तेमाल किया है मैंने इसे बनाने के लिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मसूर के दाल को 3 से 4 घंटा तक इसे भिगो के रख दिया था। जी हाँ, ये रेड वाली साबुत मसूर है, इसे आप भिगो कर रख दीजिए 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद आप मिक्सी जार में इसे ले लें और दरदरा इसे पीसना है। बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा हम इसे पीस लेंगे। और ज़्यादा पानी भी नहीं लेना है, इसे काफ़ी थिक पीसना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं दाल के साथ बिल्कुल थोड़ा सा पानी ले रही हूँ, आप देख सकते हैं, बस इतने ही पानी में मैं इसे पीस लूँगी। तो आपको मैं पीस के दिखाती हूँ मैंने कितना गाढ़ा इसे पेस्ट बनाया था इसका। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको हल्के हल्के दाल के चंक्स भी दिख रहे होंगे। तो मुझे ऐसा ही पेस्ट बनाना है, ऐसा ही गाढ़ा और थिक बनाना था। तो बिल्कुल पेस्ट बारीक नहीं पीसना है, इतना दरदरा रखना है। तो इसमें मैं और डालूंगी साथ में ये पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड किया है और हाफ ऑनियन है जिसे इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, थोड़े से धनिया पत्ता है और एक हरी मिर्ची है और 1 इंची जितना अदरक है जिसे इस तरह से मैंने ग्रेट करके इन सबको इसमें मिक्स कर रही हूँ। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इनके पकौड़े बनाऊँगी। तो इन सबको मिक्स कर लीजिए और जब आप पकौड़े बनाना है तभी इसमें नमक ऐड कीजिएगा। पहले से नमक ऐड करके मत रखिएगा, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, मस्टर्ड ऑयल लिया है। अगर आप रिफाइंड पसंद करते हैं तो उसमें भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट टू सॉल्ट ऐड कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब फ्राई करना हो पकौड़े को तभी आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद अब मैं इसमें एक एक करके इस तरह से पकौड़े के शेप में इसे फ्राई कर रही हूँ। तो जब आप इस तरह से इसमें पोर कर रहे हैं पकौड़ों को तो आप फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखिएगा, नहीं तो आपके पकौड़े जल जाएंगे और हार्ड हो जाएंगे। तो जब तक आप इसे डाल रहे हैं तब तक स्लो फ्लेम पे आपको हीट रखना है। उसके बाद जब इस तरह से पूरे पकौड़े आप इसमें ऐड कर देंगे तो फ्लेम को हाई करके फिर इसे फ्राई कीजिएगा। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना मुझे इसे फ्राई करना है, कितना रेड करना है। तो इस तरह से जब ये अच्छी तरह से नीचे से सिक जाए तभी आप इसको पलटिएगा। तो मैं इसे आपको पलट के दिखा देती हूँ। जब अच्छी तरह से सिक जाए तभी पलटिएगा, नहीं तो दाल के पकौड़े ये टूट जाएंगे अगर ये सिके हुए नहीं होंगे तो। तो अलट पलट कर इसे लाल होने तक आप सेक लें। जब पूरी अच्छी तरह से लाल हो जाए, रोस्ट हो जाए इस तरह से, तो फिर आप इसे ऑयल से बाहर निकाल लें। तो पकौड़े तल गए हैं और आप देख सकते हैं ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगा है, ऑयल हमारा 1 स्पून जितना इसमें बच गया है। तो 1 स्पून जितना ऑयल इसमें बच गया था। तो सेम कढ़ाई में और सेम ही ऑयल में मैं अब इसका मसाला ऐड बनाऊंगी, जिसे मैंने 1 स्पून ऑयल और ऐड कर दिया है। इसी में 1 बे लीफ, 1 लाल मिर्ची और 1 टीस्पून जितना क्यूमन सीड इसमें डाल दिया है, जीरा। अब इन्हें हल्का सा मैं रोस्ट कर लूँगी और पिंच ऑफ हींग इसमें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 बिग साइज़ के ऑनियन हैं जिसे मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया था, उसे अब मैं इसमें डालकर इसे हल्का सुनहला होने तक भूनूंगी। तो 1-2 बार इसे पहले ऐसे ही चला लें। उसके बाद अब मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच जितना ये कुटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप 1.5 चम्मच जितना पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो इन सब को अच्छी तरह से अब लाल होने तक हम भूनेंगे। तो प्याज अच्छी तरह से भून जाए और जल्दी भून जाए इसलिए यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ जितना मसाला है,
उसी हिसाब से अंदाज से नमक आप ऐड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्दी भी डाल दिया है। हल्दी डाल देने से मसाले के छींटे ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। तो उसके बाद जब प्याज मेरा लाल हो गया था तो यहाँ पे मैंने एक बिग साइज़ का टमाटर इस तरह से कद्दूकस किया हुआ डाल दिया है। दो हरी मिर्ची है जिसे दो टुकड़ों में काट दिया है, और 2 इंची जितना अदरक है जिसे मैंने ग्रेट करके उसे मसाले में ऐड किया है। अब पाउडर मसाले हम देख लेते हैं क्या क्या डालेंगे। तो यहाँ पे 1.5 टी स्पून जितना धनिया पाउडर है, 1 टी स्पून जितना ये कुटी हुई लाल मिर्ची है, अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर ले लें, और 1/2 टी स्पून जितना मैं यहाँ पे काश्मीरी रेड चिली पाउडर ले रही हूँ, 1/2 टी स्पून जितना ही ये कुटा हुआ काला मिर्च है। कुटा हुआ लीजिएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, पर अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुटा हुआ डालेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। उसके बाद ये मेरे घर के मसाले हैं जिसमें मैंने जीरा, सौंफ और मेथी मिलाकर ये मसाला तैयार किया था। चाहें तो इसके जगह पे भुना हुआ जीरा सिर्फ ऐड कर सकते हैं अगर ये मसाले आपने तैयार नहीं किए हैं तो। और अगर आपको इस मसाले की रेसिपी देखनी है तो मैं वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का लिंक रख दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अब मैं ये पाउडर मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और हमारे ये पाउडर मसाले भी अच्छी तरह से भून जाए इसलिए इसमें 2 चम्मच जितना पानी आप ऐड कर दीजिएगा, जिससे मसाले भुने तो जले नहीं। तो मसाले भुनने तक 2 मिनट तक हम इसे ढककर रख देते हैं ताकि हमारा पाउडर मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए। उसके बाद जब ये मसाला भुन जाएगा तो यहाँ पे मैं पिंच ऑफ कसूरी मेथी इसमें ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हैं मसाले में कितना अच्छा कलर आ गया है भुनने के बाद। तो पिंच ऑफ कसूरी मेथी ऐड कर दिया है और उसे अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर रही हूँ ताकि इसकी खुशबू मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद अब मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। हाँ, आपको पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि जब हम दाल के पकौड़े इसमें डालेंगे ना तो ये पानी सारा उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसलिए आप ज़्यादा डालिए। अगर बाद में वो ड्राई हो जाता है पकौड़े डालने के बाद तो आप उसके बाद भी गर्म करके पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जितना गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसे अब ढक देते हैं, और देखिए ये कितनी अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है। जी हाँ, इतना जब अच्छी तरह से ये बॉयल हो जाएगा उसके बाद ही हम पकौड़े ऐड करेंगे, क्योंकि पकौड़े ऐड करने के बाद फिर इसे हम ज़्यादा देर तक बॉयल नहीं करेंगे, बस 5 मिनट तक सिम करके गैस को रखेंगे ताकि इसमें ये सारे मसाले अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो मैंने धनिया पत्ते से इसे गार्निश कर दिया है और अब 5 मिनट के लिए सिम करके इसे ढककर रख दूंगी। तो 5 मिनट के बाद देखिए ये कितनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए हैं सारे मसाले, और आप बड़ी देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है और कलर कितना बेहतरीन आया है सब्ज़ी का। तो इसे देख कर ही मुँह में पानी आ गया होगा आपके, तो आप वेट क्यों कर रहे हैं। चलिए इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब मैं इसे अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये दाल वाली मसालेदार की सब्ज़ी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।